वेलकम टू एचजीएन स्टेनो क्लासेज। आज रामधारी बुक प्रतिलेखन संख्या 67 अभ्यास शुरू। महोदय, आज हमारी तरीकों से और कार्य संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किया जा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है, जिससे बेहतर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए, और इस पर आपको अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। पैरा चेंज। काम की बेहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है। विराम। इसके लिए अधिक उपयुक्त वेतन आवश्यक होता है, साथ ही साथ स्थान, कमरे आदि भी साफ सुथरे होने चाहिए। लेकिन जो लोग साथ साथ काम करते हैं, श्रमिक, प्रबंधक तथा किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनसे अच्छे संबंध होना आवश्यक है, तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विराम। मुझे आशा है कि यह बैठक, ऐसी विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन इस प्रकार से काम करने के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएंगे। सरकार को काफ़ी कुछ करना है और वह करेगी भी। विराम। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा के लिए सरल नहीं होता, यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे। विराम। नीति संबंधी निर्णय भी सरलता से लिया जा सकता है, लेकिन किसी निर्णय को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ हो तो उन पर विजय पानी ही होती है, और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयाँ और उस पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है, चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों न हों, कठिनाइयां कैसी भी क्यों न हों। सरकार का यही संकल्प है। पैरा। सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान करना है, उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। मैं जानती हूँ कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने प्रयास ही नहीं किया कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। मैं जानती हूँ प्रायः जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है। संपूर्ण विराम।